हेलो मेरे बावर्चियों, सत श्री अकाल आदाब, नमस्ते सारे नु। सब तो पहले गुरपुरब दिया लाख लाख बधाइयाँ। तो सबसे पहले अब चलो गुरपुरब के लिए कुछ बनाना ही है तो मीठे से शुरुआत करते हैं। एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ले लो, दो चम्मच, आधा चम्मच नॉर्मल मिल्क मिक्स कर लीजिए। उसके बाद दूसरी साइड जो मखाने हमने ड्राई रोस्ट किए थे उन्हें कुरकुरा होने तक ड्राई रोस्ट कर लीजिए। अच्छे से कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्ब्स ना रहे, और फिर मखानों के अंदर डाल देंगे अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स के बाद आधा चम्मच घी डालिए और सब कुछ घी में रोस्ट कर लीजिए। अच्छे से जब ये सब कुछ रोस्ट हो जाए लो फ्लेम पर, तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मिल्क। तो यहाँ पे सब कुछ जब अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। फिर इसमें जाएगा हाफ कप के करीब मिल्क। मिल्क ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमने जो कस्टर्ड पाउडर घोल के रखा था, तो यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से सब कुछ मिक्स कर देंगे। ऊपर से एक इलायची डालेंगे अच्छा फ्लेवर और अच्छी खुशबू के लिए। सब कुछ तब तक पकाएंगे जब तक कि कस्टर्ड बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए। फिर गैस को कर देंगे बंद और इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। आप चाहो तो गर्म भी सर्व कर सकते हो। ऊपर एक लेयर लगा देंगे ड्राई फ्रूट्स की और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी हमारी जो मखाना कस्टर्ड बन के रेडी हो चुकी है। मीठा डालना हो तो ऊपर से आप जैगरी पाउडर डाल दीजिए या चीनी डाल दीजिए, जो भी आपका मन करे। फिर उसके बाद सबसे पहले आइए बाबा जी के दर्शन करते हैं, क्योंकि आज है गुरपुरब। तो सारे नु गुरपुरब दिया लख लख बधाइयाँ। और अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से नीचे सब्सक्राइब बटन पर कर लो क्लिक।